बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का दूसरा और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रामकृष्ण मठ में पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बेलूर मठ में साधु संतों के साथ कुछ पल भी गुजारे। स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सभी को स्वामी विवेकानंद जी की वो बात हमेशा याद रखनी चाहिए जो उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय में कुछ लोगों से संवाद के दौरान कही थी। मोदी ने कहा कि विलोपी भारत नाम से एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष और रास बिहारी बोस समेत कई लोग शामिल हों। विवेकानंद जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में युवाओं की आबादी भारत में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा भारत के युवा जिस मुहिम में जुड़ते हैं उसकी सफलता तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले तक युवा करप्शन के खिलाफ सड़कों पर खड़े थे, तब लगता था कि ऐसे इसे लेकर परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन अब बदलाव के साथ डिजिटल लेन देन और स्वच्छता अभियान जैसी मुहिम युवाओं की भागीदारी की वजह से कामयाब हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेलूर मठ में कहा कि सीएए को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा इस कानून को लेकर कुछ युवा भ्रम के शिकार हैं। सीएए नागरिकता छीनने का नहीं कानून है, नागरिकता देने का। इस कानून में नागरिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता मिले, ऐसा महात्मा गांधी भी चाहते थे। मोदी ने कहा कि सीएए पर गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोलकाता का ये पोर्ट भारत की औद्योगिक, आध्यात्मिक और आत्मनिर्भरता की आकांक्षा का प्रतीक है। ऐसे में जब ये पोर्ट 150वें साल में प्रवेश कर रहा है, तब इसको न्यू इंडिया के निर्माण की भी एक प्रतीक के तौर पर देखा जाना चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। पीएम ने कहा पश्चिम बंगाल की देश की ऐसी भावना को नमन करते हुए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम भारत के औद्योगिकरण के प्रेरणा के तौर पर देखा जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। गृहमंत्री यहां जबलपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री शाह का यह कार्यक्रम बीजेपी की ओर से सीएए के समर्थन में देश भर में चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों और अर्थव्यवस्था के हालात को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जेएनयू और अन्य जगहों पर युवाओं और छात्रों पर हमले की घटनाओं के लिए उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि सीएए भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में फिट यूथ फिट इंडिया थीम पर रविवार को लखनऊ में 5 दिवसीय 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन हो रहा है। 12 से 16 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। योगी कैबिनेट की बैठक अब सोमवार को होगी। सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पहले बैठक मंगलवार को होने वाली थी, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक एक दिन पहले होगी। बैठक में पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। सहारनपुर जिले में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव कहते हैं कि वे एनपीआर फॉर्म नहीं भरेंगे, दिक्कतें पैदा करने वालों का इलाज किया जाएगा। राजधानी लखनऊ के लोक भवन स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के दर्शन आम लोग कर पाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का दर्शन रविवार को 10 बजे से शाम 5 बजे तक हो सकता है। खुद मुख्यमंत्री योगी ने यह फैसला लिया है। अब आम लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। आज उत्तराखंड कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक होगी। इसमें सर्किट रेट निर्धारण सहित कई महत्वपूर्ण मसलों पर फैसला हो सकता है। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में गौरव चंदेल हत्या मामले पर आज पदयात्रा निकाली गई। ग्रेनो वेस्ट में सुरक्षा और केस के खुलासे को लेकर मृतक गौरव चंदेल के बेटे आदित्य चंदेल ने पदयात्रा निकाली, जिसमें काफी तादाद में लोग शामिल हुए। 6 जनवरी को लूट के बाद बदमाशों ने गौरव चंदेल की हत्या कर दी थी।
गौरव चंदेल हत्याकांड से यूपी में सियासत गरमाई हुई है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर प्रियंका गांधी ने प्रशासन और सरकार पर निशाना साधते हुए पुलिस के लचर रवैये पर सवाल उठाए। उधर गोरखपुर महोत्सव में अलका यांगी के सुरों पर थिरकते रहे गोरखपुरवासी। अलका ने अपने सुरीली आवाज से गोरखपुर महोत्सव में समा बांधा। 11 जनवरी से शुरू हुआ गोरखपुर महोत्सव सोमवार तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। दो आतंकी ढेर हुए हैं। वहीं त्राल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद रविवार सुबह से ही सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवादियों ने सेना पर गोलाबारी की, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लखनऊ के सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्वेटर दिए गए, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में कानपुर की फर्म एनएन इंडस्ट्रीज के संचालक अशोक कुमार सुरेखा के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। फर्म पर आरोप है कि उसने आपूर्ति की अपेक्षा अत्यधिक चालान दिखाकर जाली कागजात तैयार किए। फर्म ने शासकीय पैसे का दुरुपयोग किया, सरकारी काम में बाधा डाली। सीएए के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी देश भर में जागरूकता अभियान चला रही है। उत्तराखंड के काशीपुर में लोगों को जागरूक करने के लिए आभार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट शामिल हुए। इस दौरान आभार रैली में मौजूद लोगों को सीएए के बारे में जानकारी दी गई। अमेरिका और ईरान के बीच बड़े तनाव का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। ईरान भारतीय हस्तशिल्प के उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। मुरादाबाद से हर साल 500 करोड़ से ज्यादा के उत्पाद ईरान के लिए भेजे जाते हैं। निर्यातकों के मुताबिक युद्ध की आशंका के चलते खाड़ी देश भी प्रभावित होंगे, जहां हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपये का कारोबार किया जाता है। पहले से मुश्किल दौर से गुजर रहा पीतल उद्योग अमेरिका ईरान तनाव से नाजुक हालात में पहुंच गया है। देशभर में इन दिनों नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हंगामा चल रहा है। मुजफ्फरनगर के गांव कसेरवा में देहाती फिल्मों के कलाकार विकास वालियान मुस्लिमों की पंचायत कर उन्हें नागरिकता संशोधन बिल के बारे में समझा रहे हैं, जिसके बाद सैकड़ों मुस्लिम लोग नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। गाजियाबाद में एसएसपी कलानिधि नथानी ने मुरादनगर थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की और बेहतर पुलिसिंग के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। थाने में कर्मचारियों की हाजिरी जांचने पर जो कर्मचारी मौजूद नहीं मिले, उनके खिलाफ थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश हुए हैं। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां के लोनी बॉर्डर के बेटा हाजीपुर मेवाती चौक के पास देर रात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। इसका विरोध करने पर बदमाशों ने एक महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा है। मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 3 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मऊ के सेकोलिया गांव के पूर्व प्रधान बिजली यादव की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घर से सुबह टहलने निकले बिजली यादव की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। प्रतापगढ़ में दबंगों का कहर देखने को मिला है। टेकीपट्टी गांव में एक घर में घुसकर बदमाशों ने तोड़फोड़ और फायरिंग की है। युवक के विरोध करने पर बदमाशों ने उसके घर में तोड़फोड़ की और शोर सुनते ही ग्रामीणों ने बदमाशों को दबोचकर उनकी पिटाई की है, पुलिस को सौंपा है। मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के काशीपुर तिराहे पर शनिवार देर रात शटर तोड़कर टाइल्स शोरूम में डकैती की गई। शोरूम में घुसे 7 से 8 बदमाशों ने शोरूम संचालक और उनके रिश्तेदार को मारपीट उनके साथ की है। 40,000 रुपये लूट लिए। वारदात के बाद भाग रहे बदमाशों की पुलिस की मदद से घेराबंदी की गई, लेकिन बदमाश चकमा देकर भाग गए। मामले में पुलिस ने डकैती की बजाय तहरीर बदलवा कर चोरी की धारा में केस दर्ज किया है। आजमगढ़ जिले में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ, जबकि 3 बदमाश मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों के पुलिस ने घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, नगदी और चोरी की बाइक बरामद की है। वाडा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 720 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। अभियुक्तों के पास से 1 तमंचा, 315 बोर की बंदूक बरामद की है। आरोपी बोलेरो में शराब भरकर ले जा रहे थे।
उत्तर प्रदेश में अवैध कच्ची शराब को लेकर यूपी पुलिस अब सख्त दिखाई दे रही है। बलिया के सुल्तानपुर धियारे में मुखबिर की सूचना पर एसओजी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद की। दो भट्टियों को पुलिस ने नष्ट किया है। मौके से शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। दोनों शराब तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है। आगरा में दुकान में आग लगने से दुकान का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम पहुंची, इसी तरह आग पर काबू पाया। थाना रकाबगंज इलाके के बिजली घर चौराहे की यह घटना है। प्रतापगढ़ में खेल में एक बच्चे ने जेट्रोफा का फल खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने बच्चे को गंभीर हालत में सांगीपुर सीएससी में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने इलाज करने के बाद उसे प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया। यहां बच्चे का इलाज जारी है। कानपुर में भी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। देर रात से ही कोहरा सड़कों पर दिखाई दिया, लोगों के लिए परेशानी का सबब बना। वहीं सुबह भी हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आया। सर्दी के तेवर से लोग परेशान हैं। आग के सहारे लोग ठंड से बचाव कर रहे हैं। जौनपुर में घने कोहरे और दिनों दिन बढ़ती जा रही गलन के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ है। दिन में भी रात जैसा माहौल दिखता है। सर्दी के चलते सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आलम यह है कि कोहरे की वजह से 50 गज की दूरी भी दिखाई नहीं दे रही। ठंड से बचने के लिए जिला प्रशासन ने जगह जगह अलाव और रैनबसेरों की व्यवस्था की है। मेरठ में सर्दी ने लोगों की हालत खराब की है। चारों ओर कोहरे की घनी चादर होने की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। हाईवे पर लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद के मोहन नगर पीर के पास दो ट्रक आपस में भिड़ गए। गाजियाबाद की ओर से आ रहे ट्रक ने मेट्रो पिलर नंबर 369 के पास मोहन नगर की ओर से जा रहे ट्रक को जबरदस्त टक्कर मारी। एक ड्राइवर की हालत गंभीर है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कासगंज में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया। अथेया गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने लोडर टेम्पो को टक्कर मारी, जिससे टेम्पो में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा के मानिकपुर गांव के पास जीटी रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक आगे चल रहे दूसरे ट्रक से जा टकराया, जिसके बाद ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में दोनों ट्रक में सवार चार लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद रोड पर लंबा जाम भी दिखा। अंबेडकर नगर में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। टाडा कोतवाली इलाके में एम्बुलेंस के साथ तीन गाड़ियां भिड़ गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे में लोगों को हल्की चोटें आई हैं। रायबरेली में लालगंज में एक बुजुर्ग का शव खून से लथपथ खेत में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली। इसके बाद फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंची और उससे जुड़े साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। हत्या के पीछे वजह क्या थी, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। फरुखाबाद में दिन दहाड़े दंपति को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मिथिलेश अग्रवाल के रिश्तेदार के घर की बताई जा रही है। बदमाश शादी का कार्ड देने के बहाने घर में घुसे और दंपति को मारा और पीटा, धमकाया, नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। बागपत में सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई। दोनों दोस्त दिल्ली से नौकरी करने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों दोस्तों की कुछ ही देर के बाद मौत हो गई। आरोपी कार सवार घटना के बाद से मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और कार सवारों की तलाश कर रही है। आगरा में बदमाशों की गुंडई सामने आई है। खौफ दिखाने के लिए हॉकी डंडों से लैस बदमाशों ने एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खटीमा में धकेल कलह से घरेलू कलह से माफ कीजिएगा, तंग आकर महिला ने जहर खाया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला कुछ दिनों पहले अपने फौजी पति और उसके परिजनों के घर से निकाले जाने के बाद ससुराल पहुंची। कोतवाली में चल रही काउंसलिंग के दौरान फौजी पति से फिर विवाद होने पर महिला ने थाने से बाहर आकर जहर खाया, जिसके बाद उसके इलाज के दौरान मौत हो गई।
वरिष्ठ आईपीएस अभिनव कुमार जल्द ही उत्तराखंड में कार्यभार संभालेंगे। 13 जनवरी को राज्य पुलिस में ज्वाइनिंग करेंगे। अभिनव कुमार 1996 बैच के आईपीएस हैं। वो 5 साल से बीएसएफ में आईजी के पद पर तैनात थे। हल्द्वानी में इन दिनों लोकपर्व उत्तराणी की धूम है। पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच और हल्दूचौड़ राजकीय इंटर कॉलेज में उत्तराणी मेला चल रहा है, जहां उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच में जहां कुमाऊनी लोक गायक के गीतों ने ऐसा समा बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए, झूमने पर मजबूर। हल्दूचौड़ में चल रहे उत्तराणी कौतिक में स्थानीय कलाकारों के अलावा उत्तराखंडी लोक कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। कॉफी विद करण विवाद पर बोले हार्दिक पांड्या, चैट शो कॉफी विद करण के दौरान महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके लिए उन्हें निलंबित भी किया गया था। पांड्या ने उस विवाद को लेकर कहा कि वह 10 दिन तक घर से नहीं निकले थे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने महेंद्र सिंह धोनी की टीम से ली गई लंबी छुट्टी पर सवाल उठाए हैं। विश्व कप सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद से धोनी ब्रेक पर हैं। सुनील गावस्कर ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कोई खुद को इतने लंबे समय तक भारत की ओर से खेलने से दूर रख सकता है। टीम इंडिया के ऑलराउंड हार्दिक पांड्या की वापसी की उम्मीदों को झटका लगा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम के सिलेक्शन से पहले पांड्या फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए। 24 जनवरी से शुरू हो रहे न्यूजीलैंड टूर के लिए आज टीम का ऐलान होना है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड में 5 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने वाली है। भारत के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल शनिवार को जारी आईसीसी की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में 6ठे स्थान पर बरकरार हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज होने के बाद ये रैंकिंग जारी की गई। भारत ने सीरीज 2-0 से जीती। दीपिका पादुकोण विक्रांत मैसी स्टारर छपाक ने दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की है। पहले दिन 4.5 करोड़ की कमाई के बाद दूसरे दिन फिल्म ने लगभग 7 करोड़ का कलेक्शन किया। 2 दिन में फिल्म ने 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। उधर ताराजी द अनसंग वॉरियर इस साल की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। पहले दिन 15 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद दूसरे दिन अजय देवगन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में कमाई के मामले में काफी अच्छी बढ़त हासिल की।